हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का थर्ड पार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट में बात किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में। दूसरा, उसके बाद पार्ट टू भी अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमने क्वेश्चंस किया था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे बनाना होता है। थर्ड पार्ट आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज इस पार्ट में हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें सारी चीज़ें होती है, इक्वेशन एक्स में क्या होता है, वाई में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर में। तो चलिए यहाँ पे फटाफट जल्दी से देखते हैं। देखिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो किसी भी गेंद को किसी हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े होकर अगर आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो कुछ पाथ ऐसा बनता हुआ आपको दिखेगा। सपोज करें कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग के टॉप पे आप खड़े हैं। सपोज करें कि यहाँ पे आप एक गेंद लेकर खड़े हैं और गेंद को आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया। जब आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो गेंद का पाथ ऐसा कुछ बनता हुआ जमीन से टकराएगा। जब भी किसी गेंद को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एकदम सीधा, इसका मतलब जो इसका इनिशियली यूआई होगा वो जीरो होना चाहिए और यूएक्स जो है वो यू होना चाहिए। अगर आप इस तरह से गेंद को थ्रो किए हैं तो वो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। क्लियर है? अब जरा यहाँ पे समझिएगा, अगर आप किसी भी गेंद को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा थ्रो करेंगे तो वो सीधा जाने के बजाय हमेशा कर्व ऐसा बनता हुआ जाके गिरेगा। ये बात तो सही है कि इसका किसी भी पॉइंट पर दो वेलोसिटी तो होगा ही, vx एंड vy। इस पोजीशन पे भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है vx और यहाँ पे है vy। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर मैं बात करूँ तो उसका vx यानी कि इनिशियल स्पीड ux थ्रू आउट कहीं भी नहीं बदलता है, जबकि vy लगातार वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे इनिशियल स्पीड जीरो था लेकिन यहाँ पे बढ़ गया, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर इस तरह से जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। तो आइए हम लोग इसको पहले डिटेल में सारी चीज़ें समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा एक बार, वैसे ही जैसे हम लोग पिछले पार्ट वन में एक्स एक्सिस को अलग समझे थे, वाई एक्सिस को अलग समझे थे, यहाँ पे भी पार्ट थर्ड में भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में भी एक्स को अलग समझेंगे, वाई को अलग समझेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे और मैक्सिमम हाइट तो वो है ही जहाँ से आप थ्रो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग निकालते हैं, तो फटाफट जल्दी से करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग पे हाइट पर खड़े हैं और आपने गेंद को बिल्कुल सीधा थ्रो कर रखा है, एकदम सीधा, गेंद बिल्कुल सीधा, ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो पाथ गेंद का बन रहा है, जो पाथ बनता हुआ जाएगा, जो मैंने अभी बात करी, जो पाथ बनता हुआ जाएगा वो कुछ इस तरह से बनता हुआ जाएगा, इस तरह से बनता हुआ पाथ जाएगा। अब इसको समझना है बहुत ध्यान से, क्योंकि यहीं पे एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहां पे बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि जब गेंद यहां पर था तो उस वक्त उसकी इनिशियल स्पीड सिर्फ एक सेक्सिस में था। अच्छा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम है, थोड़ा सा इसको एक बार ये कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, यहाँ पे इधर वाई एक्सिस ले लेते हैं और इधर एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ठीक बात है क्या? इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने यहीं पे कोऑर्डिनेट ले लिया, ऊपर वाला y और इधर वाला x कोऑर्डिनेट ले लिया। क्लियर है? अब जब आप गेंद को थ्रो किए तो इनिशियल स्पीड तो u ही था। नाउ अगर मैं uy की बात करूँ, इनिशियली uy की बात करूँ तो uy जीरो था इनिशियली। जब गेंद यहाँ पे आपने थ्रो किया तो इसी समय आपने सिर्फ x एक्सिस में दिया, y एक्सिस में आपका कोई भी वेलोसिटी नहीं था। ओके, लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद गेंद अगर यहां पहुंचता है, अब उसके पास vy भी है और यहां पे vx भी है, जिसका रिजल्टेंट वो यहां पे आ रहा है।
इसका मतलब ये पाथ ऐसा इसलिए कवर किया क्योंकि एक्स में भी है और वाई में भी है, हालांकि आपने सिर्फ गेंद को सीधा थ्रो किया था तो वाई में कैसे आया? ये वाई इसको नीचे की ओर खींच रहा है, वो है ग्रेविटी। यानी कि किसी भी हाइट से किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे तो वो अपने आप नीचे आएगा। अब अगर आपने सीधा थ्रो किया तो आपने नीचे नहीं दिया है, आपने वेलोसिटी सीधा दिया है, लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे एक्सटर्नली वेलोसिटी देगा, खींच रहा है तो कुछ फोर्स खींचेगा जिसकी वजह से उसके पास वेलोसिटी आएगी और वही वेलोसिटी से वो नीचे गिरता जाएगा और लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि एक एक्सेलरेशन भी होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त फिर से वी एक्स यहाँ पे होगा और यहाँ पे वी वाई होगा और नेट रिजल्टेंट इस वक्त अभी यहाँ पे है। क्लियर है? तो ये बात आपको पहले क्लियर होनी चाहिए एकदम अच्छे से। जब आपने गेंद को थ्रो किया तो इनिशियली एक्स एक्सिस में थ्रो किया, वाई जीरो था। कुछ समय के बाद जैसे वो हवा में है उसके बाद वाई लगना चालू हो गया, जब आपके हाथ से छूटा तो ग्रेविटी एक्टिवेट हो गया भैया नीचे में और वो नीचे खींचना चालू कर दिया, तो वो पाथ कुछ ऐसा पाथ बना। क्लियर है? अच्छा, एक चीज तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस में एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए थ्रू आउट उसका स्पीड नहीं बदलेगा, ठीक है। वाई एक्सिस में ये कह सकते हैं कि उसका वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि कंट्रोल कर रहा है ग्रेविटी, ग्रेविटी खींच रही है, कुछ एक्सेलरेशन से कुछ फोर्स लगा रही है तो वो लगातार उसको इंक्रीज कराते जा रही है। कैसे, थोड़ा समझते हैं। एक तरफ हम लोग बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस, एक तरफ बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस और दूसरी तरफ बात कर लेते हैं वाई एक्सिस। तो आइए इधर लिखते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले यू एक्स की बात करें, इनिशियल स्पीड इन एक्स एक्सिस विच इज यू, और ए एक्स इनिशियल स्पीड इन सॉरी एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस विच इज जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि फोर्स जीरो है भैया। क्यों जीरो है? क्योंकि फोर्स जीरो है। फोर्स तो वाई एक्सिस में लग रहा है ग्रेविटी, एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स लगता ही नहीं है। अब आप ये कहोगे सर हमने तो थ्रो किया तो हमने तो फोर्स लगाया, भैया आप जब गेंद आपके हाथ से छूट गई तब उस वक्त एक्सटर्नली एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये बात उसकी करी जा रही है, ठीक है क्या? ओके ठीक, आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है न्यूटन के मोशन इक्वेशन वाला फॉर्मूला, तो ये वाला टर्म जीरो होगा बिकॉज ए एक्स जीरो है। सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू आ गया। इसका मतलब मैं यही अभी बोल रहा था कि एक्स एक्सिस में उसकी स्पीड नहीं बदलती है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर है यहां तक एकदम अच्छे से? अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मुझे रेंज चाहिए, क्योंकि ये आप पता है कि जहां से गेंद छूटा और जहां जाके गिरा उसको एस एक्स कह रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस में है, और इसी को हम लोग रेंज भी कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? रेंज कहेंगे। क्लियर है क्या? एस एक्स क्योंकि एक्स एक्सिस में है और इसी को हम लोग रेंज कहेंगे। अब रेंज कैसे निकालेंगे आप मुझे बताइए? एस एक्स वही फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो अब एक्सेलेशन तो जीरो है तो एस एक्स दैट मीन्स रेंज, एंड नाउ रेंज इज यू कॉस थीटा इंटू में टी, सॉरी कॉस तो आएगा नहीं, u into t। क्लियर है? u into t, t कौन सा होगा यहां पे? कौन सा t है? जब तक वो गिर ना जाए तब तक का टाइम है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। फिलहाल अभी हम लोग वापस बात करते हैं, आपने x एक्सिस में इनिशियल स्पीड जो दिया है वो u है, इनिशियल एक्सेलेरेशन जीरो है, क्यों जीरो है? क्योंकि फोर्स जीरो है, एक्सटर्नली एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है जिसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ उसका चेंज नहीं हो रहा है। जो इनिशियल था वही फाइनल होगा, जो इनिशियल था वही फाइनल होगा जो कि यहाँ पे बना ही रखा मैंने। और रेंज क्या होगा? एस एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी। कितना सिंपल है। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस में देखिए अब वाई एक्सिस में क्या क्या होगा। y एक्सिस में यू वाई, इनिशियली तो आपने y एक्सिस में कोई स्पीड नहीं दिया था ना, यू वाई मतलब इनिशियल स्पीड इन y एक्सिस शुड बी जीरो, आपने कोई दिया ही नहीं। ओके,
वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब ये देखना होगा कि भैया ए वाई की वैल्यू कितना है। तो ए वाई तो आप जानते हैं, ए वाई की वैल्यू माइनस जी हम लोग लिखते थे, पार्ट फर्स्ट में भी मैंने बताया था कि ग्रेविटी अगर नीचे खींच रही है तो कुछ एक्सेलेरेशन होगा और एक्सेलेरेशन जी होता है, और जी को डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो माइनस जी लिखते हैं, है ना। जैसे जहाँ से आप थ्रो कर रहे हो वो कोऑर्डिनेट फ्रेम हो गया, तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, कितना सिंपल है। तो वी वाई इज इक्वल टू यू, वी वाई इज इक्वल टू यू तो हो गया जीरो और ये हो गया माइनस जी टी। यानी कि फाइनल जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है और होना भी चाहिए। जैसे जैसे गेंद नीचे जाता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो समय पे निर्भर हो रहा है वेलोसिटी जो वाई एक्सिस में है, डिपेंड करनी भी चाहिए। अगर जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो गया, वन करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, टू आएगा, तो समझ आ रहा है। जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे फाइनल वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाइट का, तो इसकी हाइट तो वही है, इससे ऊपर तो गेंद जा ही नहीं रहता है, जा ही नहीं रहा है, ये इससे ही है। लेकिन अगर मैं एस वाई को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। पहले तो हमने जनरल वाई एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहले तो ये फॉर्मूला लिख दिए। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू तो आपको पता है कि जीरो हो, वाई एक्सिस में यू क्या है जीरो, तो हमने जीरो लिख दिया, हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी इन टी स्क्वायर। यानी कि एस वाई की जो वैल्यू होगी वो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। देखिए आप यहां पर माइनस देख रहे होंगे, यहां भी माइनस देख रहे हैं, ये सिर्फ माइनस विथ डायरेक्शन के साथ की बात कर रहे हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड बात करूं तो वी वाई इज इक्वल टू जी टी होगा। डिस्प्लेसमेंट बात करूं, केवल डिस्टेंस के टर्म में बात करें, स्केलर में बात करें, तो हाफ जी टी स्क्वायर होगा। मैं विथ डायरेक्शन के साथ बात कर रहा हूं, इसलिए यहां पे भी नेगेटिव और वहां पे भी नेगेटिव हो रहा है, क्लियर है। मैंने जी की वैल्यू यहां पे माइनस जी रखा है क्योंकि मैं विथ डायरेक्शन के साथ बात कर रहा हूं। तो देखिए बस इतना ही था बताना आपको, जो एक्स एक्सिस में होगा वाई एक्सिस में होगा, ये सारी चीज़ अगर आपको क्लियर है तो अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल पाएंगे, रेंज निकाल पाएंगे, क्लियर है, ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे, ठीक है। अब इसके बेस पे अब हम ये करेंगे कि मुझे ये तो पता चल गया, अब चलिए हम लोग इसके बेस पे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये दोनों पार्ट निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए। देखिए आपको हाइट दे रखा होगा, जिस बिल्डिंग पे आप खड़े होकर गेंद को थ्रो कर रहे हैं वो उस बिल्डिंग की हाइट h मान लेते हैं कि है, और मुझे टाइम निकालना और h पता है, तो ये वाला रिलेशन यूज करते हैं। यही पे मैं बना लेता हूँ, एस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ जो डिस्प्लेसमेंट होगा, गेंद पहले यहाँ थी अब वो यहाँ हो गया है, तो ऊपर से नीचे आ गई है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में होगा, क्योंकि अगर वो ऊपर जाता तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता। साइन की बात कर रहा हूँ मैं, साइन के साथ, जहाँ आप हैं उससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, उससे नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव। तो गेंद पहले यहाँ थी अब नीचे आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट गेंद ने कितना कवर करा, माइनस एच ने। ये समझ में आया क्या, आप डिस्टेंस मत लेना, ये डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप इसको यहाँ से काट दो तो नाउ एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं ये बात करूँगा कि मुझे तो टी निकालना था, नाउ टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एच अपॉन में जी, ये हो गया आपका यहाँ पे अंडर रूट 2h अपॉन में जी। अब मुझे यहाँ से रेंज निकालना है, देखो आप रेंज निकाल लेता हूँ यहीं से मैं, रेंज कितना होगा, रेंज कितना होगा, रेंज होगा कितना, u इंटू टी, और t कितना है 2h अपॉन में जी, क्लियर है क्या, एकदम अच्छे से देख लो।
देखो एक तरफ मैंने एक्स लिखा, एक तरफ वाई लिखा, इधर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी थी तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया कि मुझे क्योंकि हाइट दे रखा था अंडर रूट टू एच अपन में जी, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। रेंज निकालना था तो मुझे यू पता था और टी मुझे तब तक का लेना था जब तक कि वो गिर ना जाए, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है और उसके बाद अंडर रूट टू एच अपन में जी हो गया। तो देखो यहाँ से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया, रेंज भी निकाल लिया, ये दोनों पार्ट निकाल लिए, क्लियर है क्या? अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा क्या आता है और इसमें कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। तो पहले आप एकदम अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर लो एकदम अच्छे से और दिमाग में फिट करा लो भैया कि ये चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है। कुछ और एक दो पॉइंट बात करते हैं थोड़ा सा, चले एक चीज़ समझना है यहाँ पे, मैं एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ इस पार्ट पे। अगर मैं बात करूँ, समझना, अगर आपने किसी भी गेंद को थ्रो किया और मैं पूछूं कि इस पी पोजीशन पे बताओ एंगल कितना है, ये अल्फा कितना है, मान लीजिए मुझे एंगल चाहिए इस पी पोजीशन पे या इस टाइम पे, एक काम करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ अच्छे से। मान लीजिए कि आपके पास एक वही वाला पार्ट दे रहे, यहाँ से ऐसा पाथ बनता हुआ जा रहा है और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर थे पी पोजीशन पे पहुँचे, किसी भी पी पोजीशन में आपसे पूछ ले या किसी टाइम पे पूछ ले, जब आप इस किसी टाइम पे होंगे तो उस वक्त आपका ये वाला पार्ट होगा वी एक्स और ये वाला पार्ट होगा वी वाई। आपसे पूछेगा कि कुछ समय पे जब टी इज इक्वल टू टी सेकेंड रहा होगा तब बताओ उस वक्त एंगल कितना रहा होगा, मान लो दो ही सेकेंड ले लो, एक सेकेंड ले लो, कुछ भी ले लो, तो एंगल बनाना है कैसे बताएंगे? तो आप बहुत सिंपल तरीका जानते ही हैं, अगर मैं टैन अल्फा की बात करूं तो इसको ऐसे ज्वाइन करें और ये सीधा वाला, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर हो गया वी वाई अपॉन में वी एक्स, ये क्या बनेगा टैन अल्फा, टैन अल्फा क्या बना वी वाई अपॉन में वी एक्स। अब वी एक्स क्या है, टैन अल्फा की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो ये क्या बन गया भैया जी टी, याद करो यहाँ पे हमने बात करी थी जी टी, वी इज इक्वल टू जी टी, माइनस जी टी था लेकिन हम लोग अभी माइनस नहीं ले रहे हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड में बात करने के बाद, और इनिशियल कितना था यू, तो ये टैन अल्फा का वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है एकदम सिंपल। अच्छा आप इस पी पोजिशन में मुझे एक्स बताइए और वाई बताइए, ओके तो देखिए ले लीजिए, मान लीजिए यहां पर देखिए मुझे इस पी पोजीशन पे पोजीशन चाहिए, कितना एक्स में हुआ कितना वाई में हुआ, तो मान लीजिए यहां कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई, समझना है बेटा एकदम बहुत इजी है, तो क्या वाई वाला पार्ट ये रहा होगा और एक्स वाला पार्ट ये रहा होगा? हाँ भैया एकदम सही बात है, एक्स वाला पार्ट ये रहा होगा, ठीक है। तो अब x कैसे निकालेंगे, sx इज इक्वल टू यू इंटू टी, और sy कैसे निकालेंगे, sy इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, sx के बजाय मैं सिर्फ x लिखता हूं, x क्या होगा u इंटू टी, किस समय का पूछ रहा है वो समय रख देंगे तो x आ जाएगा, y कितना आएगा y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, चूंकि वाई नेगेटिव में होगा तो आप नेगेटिव लिख भी सकते हो, नहीं रखना हो मैग्नीट्यूड में बात करनी हो तो आप मैग्नीट्यूड में भी बात कर सकते हैं, क्लियर है क्या? मैं फिलहाल यहाँ पे विद साइन के साथ ही लिख रहा हूँ और मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यही नहीं रुका मैंने, मुझे अब नेट डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये रहा डी, तब ये रहा तो इसका मतलब क्या लेंगे यहाँ पे, d इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये देखो यहां पे ये रहा x, ये रहा यहां पे y, तो ये रहा d, क्लियर है। तो अब ये निकाल सकते हैं यहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं। x कितना है यू टी का स्क्वायर, मुझे नहीं पता कि कौन सा t पे है, कोई भी t पे होगा, मैं तो जनरल बना रहा हूं, और हाफ माइनस मैंने ले लिया हाफ जी टी स्क्वायर,
तो वो वैसे भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर अच्छे से लिख देता हूँ, यू टी का स्क्वायर, तो इसको माइनस करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं पॉजिटिव ही लिख देता हूँ, हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर है, का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, किस टाइम पे पूछ रहा है उस पर निकालिए, सॉल्व कीजिए, एक्स निकल सकता है, वाई निकल सकता है, वी निकल सकता है, एंगल निकल सकता है, कुछ भी पूछे तो आप इसके रिलेटेड कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में टी नहीं होता है और टी को एलिमिनेट किया जाता है। तो थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देख लीजिए, थोड़ा सा यहीं से बात कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो आपका जो एक्स होगा, एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी होगा, तो टी कितना होगा, एक्स बाई यू, एक्स बाई यू, वाई वाले फॉर्मूला में लिखिए, वाई इज इक्वल टू, वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट, हाफ जी टी स्क्वायर होता था, तो टी की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स बाई यू का स्क्वायर, ये बन गया आपका y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स बाई यू का स्क्वायर, मतलब x देखो हाफ जी टी स्क्वायर होता था ना, तो t की जगह पे क्या रखेंगे, x बाई यू रख दो। आगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने प्रूफ भी किया 2h/g, रेंज ये वाला हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ये रहा भैया, क्लियर है, कुछ भी निकालने को कहा जाए निकाल सकते हैं आप, क्लियर है। चले नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट कांस्टेंट स्पीड, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड देन द बॉम्ब, अच्छा सुनना, कहाँ गिरेगा ये पार्ट है, फॉल ऑन द अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन, क्या वो सीधा एरोप्लेन के नीचे ही गिरेगा, फॉल ऑन द अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, क्या वो प्लेन के पीछे गिरेगा, तीसरा फॉल ऑन द अर्थ अहेड, क्या प्लेन के आगे गिरेगा, या फ्लाइज विद एरोप्लेन, क्या उड़ता ही रहेगा एरोप्लेन के साथ। देखो मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट आपका एरोप्लेन है भैया, सुनना ध्यान से, और आपने एक छोटा सा पत्थर को ड्रॉप कर दिया एरोप्लेन से, कोई ऑब्जेक्ट, अच्छा बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये ड्रॉप करेंगे तो क्या ये जो बॉम्ब है वो नीचे गिरेगा, तो जवाब है नहीं। फिर इसका मतलब अगर मैं ऐसा बात करूं तो क्या वो नीचे गिरेगा, तो नहीं। देखो जब आपने बॉम्ब को छोड़ा, ड्रॉप किया, उस वक्त आप प्लेन में थे और प्लेन की स्पीड कुछ न कुछ रही होगी, इनिशियल स्पीड यू तो रहा ही होगा उसका, इनिशियल स्पीड यू तो रहा ही होगा, तो जब आप ड्रॉप करेंगे तो उस गेंद को, उस बॉम्ब को भी इनिशियल स्पीड मिला होगा यू, क्लियर है, समझना ध्यान से। अगर कोई प्लेन पे आप जा रहे हो और ड्रॉप करो, प्लेन स्पीड से चल रहा है, तो आपने जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करते समय इनिशियल स्पीड एक्स एक्सिस में तो प्लेन के द्वारा मिल ही गया उसको, तो वो आगे की ओर पाथ बनाता हुआ जाएगा, आगे की ओर पाथ बनाता हुआ जाएगा, समझ में आया क्या ये बात। देखो प्लेन चल रही है और जब आप ड्रॉप करेंगे तो देखो एक बात तो आप जानते हो कि अगर आप प्लेन के अंदर में बैठे हो तो आप रेस्ट पे नहीं हो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप मोशन में हो, जितनी स्पीड प्लेन की होगी उतनी ही स्पीड उसके अंदर बैठा हुआ हर पैसेंजर की होगी, तो उस ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करते हो तो इनिशियल स्पीड तो प्लेन वाला ही मिलेगा, तो वो कुछ ऐसा पाथ बनाता हुआ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्लेन यहां रह गया, वो आगे गिर गया, अब अगर आप जरा सुनना कहां गिरेगा जो बॉम्ब है, वो कहां गिरेगा, उसने ड्रॉप यहां से किया था लेकिन क्या यहीं पे प्लेन रुक गया, प्लेन तो आगे जाएगा, तो अगर प्लेन यहां था, मान लो प्लेन यहाँ पहुँचा, तो अब गेंद यहाँ पे पहुँचा, प्लेन जब यहाँ पहुँचा तो गेंद अब यहाँ पहुँचा, प्लेन जब यहाँ पहुँचा
इस पार्ट पे, तो गेंद गेंद यहां पहुंचा। कहने का मतलब मेरा यह है कि जैसे जैसे प्लेन आगे जाता जाएगा, थोड़ा सा एक बार वापस देखते हैं, सुनना एक बार वापस देखते हैं, मान लो ये जो है वो ट्रैवल कर रहा है प्लेन, ठीक है। अब गेंद को आपने ड्रॉप किया, तो गेंद पहले यहां थी तो प्लेन भी यहां रहा होगा, गेंद यहां रहा तो प्लेन यहां रहेगा, गेंद यहां रहा तो प्लेन यहां पे रहेगा, गेंद यहां प्लेन यहां, गेंद यहां प्लेन यहां, ऐसा ही होता जाएगा। क्यों? इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो कि वर्टिकल उसके नीचे ही रहेगा। हाँ भैया, हमेशा रहेगा। क्यों? प्लेन का एक्स एक्सिस स्पीड वो भी नहीं बदल रहा है, एयर ड्रैग वगैरह सब कैंसिल है। जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल स्पीड वो भी नहीं बदलेगा जब तक वो टकरा ना जाए, तो प्लेन के नीचे ही रहता है। और उड़ते हुए अगर किसी ने ड्रॉप करा तो वहीं गिरेगा जहां वो चाहता था कि गिरे, तो उसको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि वो पाथ कैसा बना, ट्रेजेक्ट्री कहाँ बना, कितने समय में नीचे गिर जाता, वो सब पूरी कैलकुलेशन रहती है। कितना हाइट, अरे कैलकुलेशन बहुत ईजी है ना यार, अंडर रूट 2h अपन में g कर देंगे, h पता होता है, इतनी हाइट पर हम उड़ रहे हैं, ठीक है। ओके, थोड़ी बहुत हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, उनका रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस होता है और जबरदस्त होता है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन रहती है सारी थोड़ी बहुत। चलो खैर, अगर मैं बात करूं कि आप ड्रॉप करेंगे तो सीधा सीधा ये भी आगे जा रहा है, सुनना, इस गेंद का हॉरिजॉन्टल स्पीड vx है और इनिशियल स्पीड जो इसको मिला वो ux है, और ux कभी नहीं बदल रहा है, और ये जो प्लेन आगे जा रहा है ये भी नहीं कभी बदल रहा है। तो x कंपोनेंट में, x कंपोनेंट सेम होने की वजह से दोनों का पोजिशन, दोनों का वाई वाला तो चेंज होगा लेकिन एक्स वाला सेम रहेगा, ठीक है, है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, पहला वाला ऑप्शन है। दूसरा, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 meters per second फ्रॉम टॉप ऑफ अ हाई टावर। एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उससे आपने गेंद को थ्रो कर दिया, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रखे हैं। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 0.7 seconds इज नियरली टेक, कितना होगा भैया? सुनना ध्यान से, एक गेंद है उसको आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, कितने से? 4 meters per second से। तो कुछ ऐसा पाथ बनेगा और यहां आके गिरेगा, ठीक है। आपसे पूछा हुआ 0.5 seconds में वेलोसिटी क्या होगी उसकी, तो देखो याद करो अभी हमने वो बात करी थी। मान लेते हैं पी पॉइंट पर 0.57 टी बराबर 0.7 seconds यहाँ पे आ रहा है, मान लो ये पी कोई रैंडम पॉइंट है जो यहाँ पे आ रहा है, मुझे भी नहीं पता कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे कहीं पे तो आ रहा होगा, लेकिन हमने रैंडम कोई जगह ले लिया कि पी पोजीशन पे 0.7 seconds पे पहुँच गया और उस वक्त उसकी वेलोसिटी चाहिए। तो क्या तरीका है भैया? वी एक्स तो सेम होगा यू होगा जो कि है 4 meters per second, वी वाई कितना होगा? माइनस जी इंटू टी, तो 10 × 0.7 इसका मतलब 7 meters per second नीचे। मेरा माइनस का मतलब क्या है? नीचे। नेट वेलोसिटी पूछा हुआ है आपसे, वी नेट पूछा हुआ है आपसे, तो अब ऐसा नहीं बोला हुआ है कि एक्स में क्या है वाई में क्या है, तो टोटल पूछ रहा है वो, इसका मतलब वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो वी एक्स का स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर 16, वी वाई का स्क्वायर कितना है? 7।